हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों, घर पे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, अभी तक हम लोग परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना सिखाया। कैसे उसमें कई सारे नियमों को आप लोगों ने सीखा, आपने देखा कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए कैसे हम लोग संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि जब हर समान रहता है तो कैसे करते हैं, हर असमान रहता है तो कैसे करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस प्रश्नावलियों को हल कर लिया है, जितने भी अभ्यास दिए गए थे आप लोगों ने उसको कर लिया है, बहुत ही अच्छा है। हम लोग धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं की नेक्स्ट संक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्याओं का गुणा। तो आइए हम लोग आज समझेंगे बच्चों कि परिमेय संख्याओं को किस तरीके से गुणा किया जाता है। देखो, आपको हम बता दें कि परिमेय संख्याओं का गुणा ना सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है। जोड़ और घटाव में थोड़ा सोचना भी पड़ता है, हर का लासा वासा लेना पड़ता है, लेकिन अगर परिमेय संख्याओं को गुणा करना हो, भाग देना हो, तो बहुत ही आसान होता है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों, जिसका नाम है परिमेय संख्याओं का गुणा। ध्यान देना, परिमेय संख्याओं का गुणा या गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं को कैसे हम लोग गुणा करते हैं, सिंपल सा नियम समझ लीजिए, फिर प्रश्नावली के प्रश्नों को भी हम लोग हल कर लेंगे, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बच्चों, सपोज कर लीजिए कि पी बटे क्यू जो है यह एक परिमेय संख्या है, तथा बच्चों आर बटे एस जो है ना यह भी एक परिमेय संख्या है। हमने क्या बताया आपको कि पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है और आर बटे एस भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें बच्चों करना क्या है, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए, इनका जब गुणा करोगे आप तो कैसे करोगे, देखो p बटे क्यू को बच्चों आप गुणा करोगे r बटे s से। तो सिंपल सा तरीका होगा कि p r के साथ गुणा कर दिया जाता है और q को बच्चों s के साथ गुणा कर दिया जाता है, यही जो आएगा वही आपका आंसर हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? अब आइए कुछ एग्जांपल करके आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 4/7 और गुणे में लिखा है बच्चों 5/16, दोनों गुणा करना है तो बहुत ही आसान है। देखो, पहली चीज़ तो इसे लिख लो, इसको 4/5 लिख दो और बटे 7/ कितना लिख दो बच्चों, 16 लिख दो। अब देखो, अगर कुछ कट रहा हो तो काट लो, 4 × 4, 4 × 16, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा, 5, और नीचे कितना बचा, 7 × 28। ये बच्चों जो यहाँ पर आया यही आपका आंसर हो गया। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दे दिया आप लोगों को। अच्छा, प्लस माइनस का भी चक्कर आएगा तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आपको पता ही है कि प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होंगे, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होंगे, प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा। एक सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है बच्चों कि समान चिन्ह जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है, और विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमेशा क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। बस सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो कंसेप्ट को आप लोगों ने समझ लिया होगा बच्चों। अब आइए अपनी हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न हमारी बुक में दिए हुए हैं बच्चों, जिनको हमें हल करना है। तो अभ्यास 1D आप लोग खोल लीजिए। देखो बच्चों, हमने आपको सिखाया कि किस तरीके से आपको आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है हमारे साथ। देखो यार, जब आपको वीडियो मिले तो आप लेट करके ऐसे ही वीडियो मत देखो कि सर का वीडियो है लाओ हमें देखना, नहीं, आपके अंदर ये फीलिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, सर आपके सामने हैं, आपके पास सारे के सारे स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं। कौन कौन से स्टडी मटेरियल, बुक है आपके पास, कॉपी है, पेन है, नोट्स है, जो कुछ भी हम आपसे कहें इसको निकाल लीजिए, वो तुरंत आपके पास होना चाहिए, तो उसके पढ़ाई की सार्थकता आपके सामने निकल करके आएगी, ठीक है। तो चलिए अपनी बुक निकाल लीजिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1D के प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि उसके कंसेप्ट को मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। तो 1D जो है बच्चों आपका अभ्यास, उसका पहला प्रश्न है जिसमें लिखा है बच्चों, हल कीजिए, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें सिंपल से 4 खंड दिए गए हैं, उनको गुणा ही करना है। पहला मैं आपको करके दिखाता हूं बच्चों, -9/8 लिखा है और गुणे में बच्चों आपके पास लिखा है -32 और कितना लिखा है बच्चों, -3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो गुणा करना है, मैंने आपको नियम सिखा दिया, ऊपर वाला ऊपर गुणा कर लो, -9 और गुणे बच्चों -32 और बटे कितना हो जाएगा, 8 और गुणे -3। अब देखो ये कट रहा है, 8 × 32 तो कितना बचेगा यहाँ, -4, ठीक है। इसको काट दो,
तीन त्रिका नौ, देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस बच्चों, यहाँ पे देखो कितना बचा थ्री और यहाँ कितना बचा माइनस का फोर, मल्टीप्लाई कर दोगे तीन चौके बारह, लेकिन माइनस में बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस बारह क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखो बच्चों बाकी सारे पार्ट एकदम ऐसे ही हैं, दूसरा तीसरा चौथा सब आप लोग कर लेंगे, कोई समस्या आपको होगी नहीं, अगर कोई समस्या होगी तो आप मुझे बताइएगा उसको, तो मैं सॉल्व करा ही दूंगा, ठीक है। तो सिंपल है, गुणा आपको आसान लग रहा होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अगला है, दूसरे क्वेश्चन में भी यही बोला है बच्चों, कह रहा है कि गुणा कीजिए, किसको गुणा कीजिए, पहला उसमें लिखा है बच्चों कि सात बटे छः को, ध्यान दो सात बटे छः को माइनस चौबीस से, ऐसा इसने लिखा है कि माइनस सात बटे छः को, सॉरी सात बटे छः को माइनस चौबीस से आपको क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। तो आइए करते हैं, इसको हल करिए, गुणा करना है माने सात बटे छः लिख दोगे और गुणे माइनस चौबीस लिख दोगे, ठीक है, बस सिंपल हो गया। अच्छा बटे में इसको आप एक लिख सकते हो, अब जब इसको करोगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर सात और गुणे में ऊपर माइनस चौबीस हो जाएगा और नीचे बच्चों छः बटे एक आ जाएगा, ठीक है। अब इसको छः से भाग दो, छः चौके चौबीस, तो कितना आएगा माइनस चार ना, अब कितना बचा आपके पास सात और गुणे में माइनस चार बच्चों ना, तो सात चौके कितना होता है अट्ठाईस, तो आ गया माइनस अट्ठाईस, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और देख लेते हैं इसमें का कोई और, जैसे मान लीजिए दूसरा भी पार्ट आसानी है, तीसरा भी आसान है, चलो चौथा करा के दिखा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर फोर इसका देख लीजिए बच्चों, लिखा हुआ है इसमें माइनस थर्टीन बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई माइनस इलेवन बाई थर्टी नाइन, ठीक है, इसको आपको क्या करना बच्चों, गुणा करना है। तो चलिए करिएगा, नीचे वाला नीचे गुणा कर लो, माने पाँच गुणे उनतालीस लिख दो और माइनस तेरह और गुणे मतलब कितना माइनस ग्यारह हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब देखो ये इससे कटेगा, तेरह एक कम तेरह, तेरह तिया उनतालीस, तो ऊपर माइनस एक बचेगा, माइनस एक और गुणे बच्चों कितना माइनस ग्यारह और बटे पाँच गुणे तीन, गुणा करोगे ग्यारह एक कम ग्यारह होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ग्यारह बटे पंद्रह ये बच्चों आप लोगों का क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कितनी छोटी सी प्रश्नावली थी आपकी, प्रश्नावली जो थी ये एक डी बहुत ही आसान थी, केवल इसमें दो प्रश्न दिए गए थे और दोनों में चार चार खंड थे, जिसमें से मैंने पहले में से बच्चों आपको केवल एक ही प्रश्न हल कराया है, दूसरे में दो करा दिया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस अभ्यास को, इस प्रश्नावली को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों को बच्चों परिमेय संख्याओं को गुणा करना आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें भी मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या होगी, आराम से कभी भी दो परिमेय संख्याएं आप लोगों को दी गई होंगी ना, उसको आप लोग गुणा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आज के टास्क में, आज के होमवर्क में आपको ध्यान रखना है कि अभ्यास एक डी, ध्यान देना अभ्यास एक डी आपको हल करना है बच्चों, और हल करने के पश्चात आपको अपना जो पेपर होगा, मैंने जहां आप हल करेंगे उसको मेरे पास आपको सेंड कर देना, जिससे हम उसको देख सकें कि आप लोग किस तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक बच्चों। अब देखो आज का ये लेक्चर तो ख़त्म हुआ, लेकिन आज के इस वीडियो के साथ मैं आपको बहुत ही छोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। देखो बच्चों, हो सकता है कि आप स्टार्टिंग से आपके पास व्यवस्था ना रही हो, स्टार्टिंग के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं अटेंड किए हों, स्टार्टिंग के टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़े हों और आपको ये अब कुछ टफ लगने लगा हो। तो बच्चों वीडियो सब चैनल पर पड़े हुए हैं, आप पहले वीडियो से देखना स्टार्ट कर दीजिए और सभी वीडियोस को आसानी से एक तरफ से देख लीजिए और देख करके अपनी नोट्स को तैयार कर लीजिए जल्दी से जल्दी, मतलब एक दिन में दो तीन चार वीडियो देख करके सब इकट्ठे कंप्लीट करें, क्योंकि हमने ज़्यादा बड़ा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया नहीं है, अभी आप क्लास एट्थ में ही हैं, तो छोटे छोटे वीडियो आपको प्रोवाइड करना है और एक्सरसाइज भी बहुत छोटी है, एक वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व कराना बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो को देख करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करते चलिए, हमारे साथ बढ़ते रहिए और हाँ मुझे बच्चों अपना होमवर्क जरूर सेंड करते रहिए, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, घर पर रहिए, शानदार रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।